Hello, welcome to beingguru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called testing of hypothesis. तो ये statistical inference का एक बहुत ही important topic है और इसका ये जो introduction video है इसके बाद हम इसमें various videos बनाएंगे और अलग अलग जो concept है उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि testing of hypothesis में hypothesis का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में, तो हम किसका यूज करते हैं, सैंपल का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, सैंपल की बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जब भी हम सैंपल की बेसिस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के जो पैरामीटर रहते हैं उसके बारे में कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कुछ अजम्पशंस बनाते हैं और उन्हीं अजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन पैरामीटर के अजम्पशंस है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब ये हाइपोथेसिस वैलिड है कि नहीं है, इसकी वैलिडिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब जो हमने अजम्पशन या हाइपोथेसिस बनाया ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो सकता है, कोई क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होगा किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के बारे में कोई क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी में जो एवरेज वेट है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का वो कितना है, सपोज कीजिए 50 kg है, तो मैंने क्या माना, म्यू इक्वल्स टू 50 kg, एवरेज वेट माना पॉपुलेशन का पूरी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसा स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड है कि नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, कि जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप रहती है हाइपोथेसिस को सेट करना, ठीक है। तो नॉर्मली हम दो हाइपोथेसिस सेट करते हैं, एक रहता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा रहता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए नल वर्ड का मतलब क्या होता है, वॉइड है ना, void, empty या zero होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले से pre-assume कर लेते हैं कि जो sample का statistics है और population का जो parameter है उसके बीच में कोई difference नहीं है, ये हम पहले से pre-assume कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हम ये मान के चलते हैं कि sample statistics और population parameter में कोई difference नहीं है, ठीक है। तो null hypothesis का मतलब क्या होता है, तो देखिए नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एक ये क्लेम या स्टेटमेंट रहता है किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, जिसको इनिशियली हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं अंटिल इट इज डिक्लेयर फॉल्स, ठीक है। मतलब ये क्लेम रहता है पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, जिसको हम ट्रू मान के चलते हैं जब तक हम इसको फॉल्स डिक्लेयर ना कर दे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं अदर वर्ड में कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम पॉसिबल रिजेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं अंडर द अजम्पशन कि वो क्या है, इनिशियली ट्रू है, ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको मैं डिनोट किससे करता हूं, एच नॉट से करता हूं, ठीक है। अब सेकंड यहां पे सेकंड हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, तो देखो एनी हाइपोथेसिस जो क्या रहेगा, नल हाइपोथेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम अल्टरनेटिव भी बोलते हैं या इसका एक और नाम होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, H1 से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं एग्जांपल कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेटअप कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करता है, तो उसने क्या करा, जो 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसने क्या बोला कि वो ऑन एन एवरेज है ना हर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है ना इन मिलीलीटर, ठीक है। तो 500 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक वो हर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में डाल रहा है, ठीक। अब हमें ये टेस्ट करना है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। मतलब इस केस में जो हमारा नल हाइपोथेसिस रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नल हाइपोथेसिस एच नॉट क्या हो जाएगा कि वो ऑन एन एवरेज कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में कितनी कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, 500 ml कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, ठीक है। तो हमें ये टेस्ट करना है कि जो वो बोल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में वो 500 ml कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, मुझे टेस्ट करना है। तो मैं क्या मानूंगा नल हाइपोथेसिस कि वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, ठीक है। मतलब मैंने क्या कर लिया है, स्टेटमेंट बना लिया किसके बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, और मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं, ट्रू मान के चल रहा हूं, ठीक है। इनिशियली मैं इसको ट्रू मान के चलूंगा। अब यहां पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है दैट इज H1 है। अब H1 क्या हो सकता है, जो म्यू है वो हो सकता है नॉट इक्वल्स टू 500 ml, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक नहीं डाल रहा है, वो 500 ml से कम डाल रहा है या 500 ml से ज्यादा डाल रहा है। इसको हम बोलेंगे
इसको बोलेंगे हम टू टेल अल्टरनेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टू टेल टेस्ट या टू टेल अल्टरनेटिव जब नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो बन सकता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ऑन एन एवरेज वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में क्या कर रहा है, 500 ml से कम कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, ठीक है। हमें ये टेस्ट करना है कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml से कोल्ड ड्रिंक कम डाल रहा है। तो नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि म्यू इक्वल्स टू रहेगा 500 ml और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 500 ml हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये टेस्ट करना है हाइपोथेसिस कि वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 500 ml से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है ऑन एन एवरेज, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में, नल हाइपोथेसिस क्या लेना हमारा उस केस में भी, म्यू इज इक्वल्स टू 500 ml और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि जो म्यू है वो क्या रहेगा 500 ml से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों केस अल्टरनेटिव के, इसको बोलते हैं अपन वन टेल टेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वन टेल टेस्ट, ठीक, वन टेल टेस्ट, और इसको भी बोलते हैं हम वन टेल टेस्ट, ठीक। अच्छा, यहाँ पे म्यू क्या है, छोटा है 500 ml से, इसका मतलब ये जो टेस्ट रहेगा ये रहेगा लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे म्यू बड़ा है 500 ml से तो ये हो जाएगा हमारा राइट टेल टेस्ट। अच्छा, ये लेफ्ट टेल राइट टेल टेस्ट होता क्या है अपन आगे देखेंगे वीडियो में क्या होता है ये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हाइपोथेसिस अगर आ गया, इनमें से बस एक ही आएगा वैसे तो यूज कब करते हैं, किस सिचुएशन में हम इस टाइप का अल्टरनेटिव यूज करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। पहला वाला केस क्या है, पहला केस लिखा है यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आ रहा है। तो ऐसा अजम्पशन हम कब यूज करते हैं, जब हमें टेस्ट करना है कोई डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, ठीक है, मतलब अगर मुझे अजम्पशन या हाइपोथेसिस टेस्ट करना है किसी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में, तो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे, नॉट इक्वल्स टू यूज करूंगा। कहने का मतलब कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं है, ये मुझे टेस्ट करना है ना, तो यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे, नॉट इक्वल्स टू यूज करूंगा। क्वेश्चन दूसरा आता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन कब यूज होगा, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन कब यूज होगा ये कब ध्यान रखना है, जब हमें टेस्ट करना है वैलिडिटी, ठीक है, हमें क्या टेस्ट करना है, वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम, मुझे किसी क्लेम की वैलिडिटी टेस्ट करना है, तो उस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंबल क्या रहता है, लेस देन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ये क्लेम कर दिया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml से कम कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml से कम कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, अब ये उसका क्लेम है जिस बंदे ने ये क्लेम करा है, तो इनिशियली हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक ऑन एन एवरेज वो डाल रहा है। अब हमारा जो अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में वो 500 ml से कम कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, हमारा अल्टरनेटिव हो जाएगा। मतलब हम यहां कर क्या रहे, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, किसी क्लेम की जो वैलिडिटी है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं यहां पे, है ना, मतलब हमारा जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या रहेगा यहां पे, वैलिडिटी ऑफ क्लेम को टेस्ट करेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हमें क्या करना है, रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ठीक है, तो ग्रेटर देन कब आएगा, जब हमें टेस्ट क्या करना रहेगा, टेस्टिंग ऑफ क्या करना रहेगा, रिसर्च हाइपोथेसिस, तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल, कोई मेडिसिन था उसका कुछ इफेक्ट था, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करा उस मेडिसिन में, उसका इफेक्ट क्या हो गया, और अच्छा हो गया, तो उस केस में क्या करा हमने, वहां पर रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करी। तो जब भी ग्रेटर देन सिंबल आता है अल्टरनेटिव में, तो हम क्या करते हैं वहां पर टेस्ट करते हैं इसका, रिसर्च हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यूज करना है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का इन सिचुएशन में, ठीक। अब नेक्स्ट यहां पे होगा कि कैसे करना है ना, यूज कैसे करना है, तो देखिए ध्यान क्या रखना है आपको, अब हम क्या करेंगे यहां पे, कंप्यूटेशन करेंगे किसका, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का, कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटेशन करेंगे इसका, टेस्ट स्टेटिस्टिक का। अच्छा देखो, जब भी आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट कर लोगे, तो अगली स्टेप क्या रहेगी कि आपको टेस्ट स्टेटिस्टिक डिसाइड करना है कि आपने जो सैंपल लिया है उस पर आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, आप बहुत सारे हम टेस्ट लगा सकते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं कि आप सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस पर जेड टेस्ट लगा सकते हो, टी टेस्ट लगा सकते हो, है ना, काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हो, या F टेस्ट लगा सकते हो, है ना, ये सारे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ Z टेस्ट कब लगाना रहता है आपको,
जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड टेस्ट की बात करें तो जेड टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमें सैंपल का साइज क्या रहेगा 30 या 30 से 30 के बराबर या 30 से बड़ा रहेगा, तब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे जेड टेस्ट लगाते हैं। और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा रहेगा, पॉपुलेशन का यहाँ पे नॉन रहेगा। तो जो जेड टेस्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा एक्स बार, ठीक है। और ये किसको फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, जिसका मीन क्या होता है जीरो होता है और वेरियंस होता है वन। तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे कंसेप्ट अच्छे से बताए गए हैं। अब यहाँ पे एक्स बार का मतलब होगा सैंपल का मीन, म्यू का मतलब पॉपुलेशन का मीन, और सिग्मा एक्स बार का मतलब, सिग्मा एक्स बार का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट एन होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन रहेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा यहाँ पे अननोन रहेगा, तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एस अपॉन में अंडर रूट है। एस मतलब क्या रहेगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिग्मा मतलब क्या रहेगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, अगर सैंपल का साइज रहेगा स्मॉल, अगर एन क्या रहेगा 30 से कम रहेगा, और हमें क्या करना है, टेस्टिंग ऑफ मीन करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम यूज करते हैं टी टेस्ट, ठीक है। जब सैंपल क्या रहेगा 30 से कम रहेगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा रहता है, अननोन रहता है, ठीक है। तो टी टेस्ट का भी फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बनता है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा एक्स बार, ठीक है। अब यहाँ पे सैंपल क्या रहेगा 30 से कम रहता है, तो अब हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसका अपन अलग अलग वीडियो बनाकर जब समझेंगे तब अच्छे से क्लियरिटी करेंगे। तो ये कुछ टेस्ट स्टेटिस्टिक रहते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट भी रहता है और एफ टेस्ट भी रहता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस सेटअप करने के बाद आप क्या सिलेक्ट करते हो, टेस्ट स्टेटिस्टिक को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कि जब भी हम कंप्यूटेशन करते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक का, तो हमने जो हाइपोथेसिस सेटअप किए उसके पॉसिबल आउटकम क्या रहेंगे, जब भी हमने हाइपोथेसिस को सेटअप किया तो उसके जो पॉसिबल आउटकम से वो क्या रह सकते हैं, वो ये हो सकता है पॉसिबल आउटकम कि जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, हम क्या करें रिजेक्ट कर दें, किसको, नल हाइपोथेसिस को, मतलब एच नॉट को, या क्या करें हम रिजेक्ट ना करें, मतलब डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो किसी भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, किसी भी अगर मैं स्टेटिस्टिकल टेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पे उस स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्ट या टेस्ट की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट की जो सक्सेस है वो डिपेंड किस पे करती है, कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अगर मैं रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब उसका जो अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा नल हाइपोथेसिस को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं नल हाइपोथेसिस को, तो जो अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे कब रिजेक्ट करना है, कब एक्सेप्ट करना है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, नॉन स्टेटिस्टिक एग्जांपल है, उससे आप समझ जाओगे कि जैसे हम एग्जाम में बात करें कि पासिंग मार्क कितने रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं एग्जाम में अगर 100 नंबर का पेपर है और पासिंग मार्क्स है 33, तो 33 क्या हो गया, वहां पे एक लेवल हो गया, है ना। अब 33 एक लेवल हो गया, अगर 33 से कम मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाएगा, और 33 से ज्यादा मार्क्स आएंगे तो स्टूडेंट एग्जाम में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, सेम लाइन, सेम कंसेप्ट हमें कहीं अप्लाई करना पड़ता है, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस में ये कंसेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जो इस वर्ड को हम बोलते क्या है, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अगर मुझे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बताता है, ध्यान से लिखना, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं LOS। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बताता है, probability of error in accepting or rejecting
null hypothesis, ठीक है? तो जो level of significance है, उसको denote मैं किससे करता हूँ? अल्फा से करता हूँ, ठीक है? तो ये बता रहा है probability of error, ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो level of significance अल्फा है, वो क्या बताता है? वो बताता है level of risk, वो बताता है हमें level of risk in rejecting a करेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है? तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हमें क्या बताता है कि कितनी लेवल ऑफ रिस्क रहेगी अगर मैं करेक्ट नल हाइपोथेसिस को, मतलब जो मेरा क्लेम सही है, उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये भी वो बताता है अल्फा। अब क्वेश्चन में ये आता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कितना करना रहता है। नॉर्मली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो हम सेट करते हैं कितना, 5% या सेट करते हैं हम उसको 1%, मतलब जो अल्फा है उसकी वैल्यू या तो रहेगी 5% या रहेगी 1%, ठीक है? अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 5% प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा 5% प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या करेंगे, हमारे डिसीजन में गलती करेंगे, ठीक है? 5% चांस है कि हमारे डिसीजन में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे, ठीक? अगर 1% प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर अल्फा रहेगा 1% तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एरर करने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 1%। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम 100 डिसीजन लेंगे तो उसमें से 1% या 1 डिसीजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम क्या करेंगे, करेक्ट नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम अदर वर्ड में ऐसे समझ सकते हैं कि एक वर्ड होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिनोट किससे करते हैं, हम सी से करते हैं, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल्स टू 1 माइनस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, ठीक है, तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कितना होगा, 1 माइनस 0.05 5%, है ना? 5% को मैं 0.05 लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.95, या इसको बोल देंगे हम 95%। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या बताता है हमें कि we are 95% sure that we have made a correct decision। जो जो level of confidence है, वो हमें क्या बताता है कि हम 95% sure है कि हमने correct decision लिया। और level of significance क्या बताता है हमें कि हम 5% जो chance है, वो क्या है, हम गलत decision ले लेंगे, ठीक है? तो ऐसा समझ सकते हैं कि 100 decision अगर हम ले, तो 5 टाइम हम क्या करेंगे, उसमें हमारी जो करेक्ट हाइपोथेसिस है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक? तो ध्यान क्या रखना है हमें, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को जोड़ूंगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है? ये रहेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कि नेक्स्ट बताएगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करने के बाद कि हमें इसमें किस टाइप का टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है? किस टाइप का टेस्ट हमें इसमें अप्लाई करना है, या 1-tailed टेस्ट लगाना है या 2-tailed टेस्ट लगाना है, ठीक है? तो जब भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करेंगे, उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है, ठीक है? 2-tailed टेस्ट लगाना है या हमें 1-tailed टेस्ट लगाना है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि 2-tailed और 1-tailed का मतलब क्या होता है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 में क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू सिंबल आएगा, तो हमें लगाना है 2-tailed टेस्ट। और अगर H1 में सिंबल कैसा आएगा आपका, ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, 1-tailed टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम समझते सिंपल सा, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो कर्व रहता है, या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रहता है, उसके बेसिस से हम 1-tailed या 2-tailed टेस्ट लगाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे अप्लाई करते हैं। मैं पहले आपको बता रहा हूं 2-tailed के लिए, और इस केस में जो अल्फा रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 0.05, मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा, ठीक है? तो पहले 2-tailed के लिए बनाते हैं डायग्राम। ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, सिमेट्रिक अबाउट मीन रहता है, और पूरा एरिया अंडर द कर्व 1 रहता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखिए, आप उसको देख के समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है? ये सिमेट्रिक अबाउट मीन रहेगा, जितना एरिया लेफ्ट साइड पे होता है राइट साइड पे है सिमेट्रिक रहता है, 0.5 इधर रहेगा, 0.5 इधर रहेगा। अब ये 2-tailed टेस्ट है, तो टेल का मतलब ये दोनों टेल हो गई इसकी, है ना? अब अल्फा अपना 5% है, तो दोनों टेल पे क्या होगा, अल्फा बाय 2, मतलब आधा एरिया इस साइड आएगा रिजेक्शन का, आधा इस साइड आएगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या बनेगा, यहां पे ये जो एरिया रहेगा
ये होगा हमारा 0.025, मतलब 2.5% ये एस्टेट आ गया, और सिमिलरली ये रहेगा 0.025, ये 2.5% एरिया ही आ गया, ठीक है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ अल्फा बाय 2, और ये एरिया भी क्या हो जाएगा हमारा अल्फा बाय 2, ठीक। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, 0.5 में से 0.025 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एरिया कितना बचेगा 0.475, और इधर भी कितना बचेगा ये 0.475, दोनों का सम मिला के फिर से 0.5 हो जाएगा, ठीक। अब 0.025 एरिया इधर चले गया, 0.025 एरिया इधर चले गया, मतलब 2.5% एरिया दोनों साइड आ गया, तो रिमेनिंग जो एरिया है वो कितना बचेगा 95%, मतलब ये टोटल एरिया कितना बचेगा यहां पे 0.95, ठीक है। तो अगर ये अल्फा बाय 2 है तो ये कितना बचेगा यहां पे 1 माइनस अल्फा बचेगा यहां, ठीक है। अब देखो हम समझते हैं कैसे इसको, ये जो एरिया रहेगा जो रेड बना है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिजेक्शन रीजन, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिजेक्शन रीजन। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ना, जेड है या टी है, अगर उसकी वैल्यू इन एरिया में आएगी तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर जेड या टी की वैल्यू क्या होगी, इस बीच वाले रीजन में आएगी, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे यहां पे, एक्सेप्ट कर देंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो ये रीजन क्या रहेगा, एक्सेप्टेंस, और ये रीजन क्या रहेगा हमारा, रिजेक्शन रीजन रहेगा, ठीक है। अब मैं 5% लेवल की बात कर रहा हूं, तो ये जो एरिया है मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से, तो यहां म्यू से लेके ये वाले पॉइंट तक जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी यहां पे, म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी, और इस साइड की वैल्यू आएगी म्यू माइनस 1.96 सिग्मा, है ना, म्यू से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक। इसका मतलब ये होता है कि जितना एरिया आपका राइट हैंड साइड पे है ड्यू टू सिमेट्री, उतना ही एरिया क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा इसका, चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अल्फा बाय 2 हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें टू टेल टेस्ट की, इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पे अल्फा बाय 2 करा, दोनों साइड आधा आधा एरिया लाई करेगा रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रीजन में क्या होगा, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और रिजेक्शन रीजन में क्या होगा, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स लगाएंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी जेड की, अगर वो लाई करेगी इन दोनों रीजन जो रेड से बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, है ना, और इस एरिया में आएगी बीच वाले एरिया में, तो इस एक्सेप्टेंस रीजन में, तो यहां पे क्या होगा, जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने केवल 5% लेवल के लिए बताया, आप इसको 1% के लिए भी बना सकते हैं, तो 1% के लिए बनाएंगे तो दोनों साइड 0.005 एरिया आ जाएगा, और बीच में कितना रहेगा यहाँ पे 0.99 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 95% हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट हो गई, और ये 5% क्या हो गया हमारा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, है ना, ये हो गया टू टेल टेस्ट। अब मुझे अगर वन टेल टेस्ट की बात करना है, तो वन टेल टेस्ट में मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, मैं थोड़े डायग्राम छोटे बनाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टेल के राइट हैंड साइड पे क्या रहेगा, रिजेक्शन रीजन लाई करेगा। तो अगर मैंने अल्फा सेट किया है 0.05, तो ये जो है वैल्यू, ये अल्फा कितना होगा यहाँ पे 0.05 हो जाएगा, ठीक है, तो रिमेनिंग रीजन कितना होगा यहाँ पे 0.95, टोटल एरिया पूरा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो ये म्यू से है ना इस पॉइंट तक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं 1.645 रहेगा, ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा वैल्यू, म्यू प्लस 1.645 सिग्मा हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू इतनी होती है, ठीक। वैसे अगर मैं यहां बात करूं, अगर टेस्ट है हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट, तो उस केस में जो एच वन है वो क्या रहेगा यहाँ पे, लेस देन रहेगा, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट रहेगा, और अल्फा मैंने कितना माना 0.05 माना, तो लेफ्ट टेल पे क्या आएगा अपना, रिजेक्शन रीजन आएगा, तो यहाँ पे अल्फा कितना होगा 0.05, रिमेनिंग रीजन में क्या होगा 0.95, मतलब ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है,
अब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा माइनस का 1.645 सिग्मा। ठीक है, ये ऐसा क्यों रहेगा, इसका रीजन है क्योंकि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइड बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक तो रहेगी बट ये क्या हो जाएगा, ये 1.645 है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है या वैल्यू यहाँ पे आती है, इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम, क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, ये भी क्या रहेगी, क्रिटिकल वैल्यूज रहेगी। ठीक, तो आपको ध्यान के रखना है यहाँ पे कि अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है अगर वो यहाँ पे लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नल हाइपोथेसिस क्या करेगा, ये जो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा रिजेक्शन रीजन, ये भी क्या रहेगा हमारा, रिजेक्शन रीजन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं और इसमें चीज और कर सकते हो, 1% पे भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको शो हो रही होगी जिसमें जेड की वैल्यू आपको 1% और 2% लेवल पे अलग अलग दिखाई जा रही है ना, 1% 2% पे दिखाई जा रही है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमें डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बना लिया, सब चीजें कर ली, अब हमें डिसीजन क्या लेना है। तो देखो, डिसीजन कैसे लेंगे, जब भी हम बात करें डिसीजन लेने की कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, और उसका मतलब क्या होता है ना, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये चीज ध्यान रखना है आपको, हम उसको मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वहां पे कि हम उसको टेस्ट किस तरीके से कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है ना, वो निकालते हैं। ठीक है, तो डिसीजन लेने के लिए ध्यान क्या रखना है, अगर मोड ऑफ जेड क्या रहेगा, लेस देन रहेगा जेड अल्फा से। अब क्वेश्चन होता है मोड ऑफ जेड क्या है, तो ये रहेगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, और ये क्या रहेगी हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, कितने पे एट, कितने परसेंट पर रहेगी ये, एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी अल्फा है ना, 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने मोड जेड लिखा है, इसका मतलब है, क्योंकि देखो अगर मैं टोटल टेस्ट की बात करूंगा तो आधी वैल्यू नेगेटिव आएगी, आधी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट ड्यू टू सिमेट्री दोनों का मतलब एक ही रहेगा, तो दोनों वैल्यू एड होगी, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, वो कैसे रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, अगर ऐसा रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलेटर वैल्यू छोटी है टेबल वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिफरेंस है, ठीक है, जो डिफरेंस मतलब कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, है ना, किस किस के बीच में, सैंपल स्टेटिस्टिक्स के बीच में और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में। ठीक है, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा सैंपल स्टेटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर कैलकुलेटेड z बड़ा आ गया टेबुलेटेड z से, ठीक है, अगर कैलकुलेटेड z बड़ा आ गया टेबुलेटेड z से, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब जो डिफरेंस है किसके बीच में, सैंपल स्टेटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में, वो क्या है, सिग्निफिकेंट है ना, डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टेटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे अल्फा का लेवल 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, या 10% भी हो सकता है ना, वैसे आपको 1 टेल और 2 टेल के टेस्ट में भी डिसीजन इस टाइप से ही लेना रहेंगे। ठीक, तो डिसीजन लेने का कंडीशन चेंज नहीं होगी। ठीक, तो ये पूरा, और इसके बाद हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इजिली। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि न्यू कितना है हमारे यहाँ पे 500 ml है, मतलब जो बंदा है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक ऑन एन एवरेज डाल रहा है, और हमारा सपोज और अल्टरनेटिव क्या रहता है यहाँ पे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 500 ml रहता, तो टू टेल टेस्ट लगाता हम, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं और वैल्यू कंपेयर करते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता तो हम क्या बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें 500 ml कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मतलब 500 ml से ज्यादा है या 500 ml से कम है। ठीक है, दूसरा अगर हम ये चेक करते हैं कि म्यू लेस देन 500 ml है क्या, मतलब कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में ऑन एन एवरेज 500 ml से कम कोल्ड ड्रिंक है क्या, है ना, ये हम टेस्ट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस सेम सेट होता और अल्टरनेटिव क्या होता है, म्यू लेस देन 500 ml हो जाता,
तो उस केस में हम डिसीजन क्या लेते हैं, अगर उस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता तो हम क्या बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उसमें ऑन एन एवरेज 500 ml से क्या है कम कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है हमारा अल्टरनेटिव क्या होता है एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जब भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं और क्रिटिकल रीजन क्या होता है ना, और इसमें हम देखेंगे जेड टेस्ट के ऊपर वेरियस क्वेश्चन, टी टेस्ट के ऊपर वेरियस क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि इस टॉपिक के आप कौन कौन से वीडियो और चाहते हैं। थैंक यू।